लेकिन आज बोलूंगा। अगर इंट्रो देखने के बाद भी हेडफोन नहीं लगाए तो तुम्हारा गान झंड होने वाली है। ठीक है। तो बस इसी टॉपिक पे मैं फिर से वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि जिस बार मैं वीडियो बनाया था दोपहर को, उसमें जो लड़की का मैं नाम बोला था, उस लड़की को फैमिली को थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही थी, उसने रिक्वेस्ट किया कि मैं वीडियो डिलीट कर देनी चाहिए, तो इसलिए मैं वीडियो डिलीट कर दिया, अभी फिर से एडिट करके अपलोड कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत माफ कर देना, अभी उसका फिर से खोल के बजाऊंगा, तो चलो बजाते हैं। रुको जरा, सबर करो। हुआ ये कि मैं चार दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैं शिव गेमिंग को पूरा एक्सपोज किया था, पूरा एक्सपोज नहीं किया था, थोड़ा एक्सपोज किया था। शिव गेमिंग ने मेरे साथ क्या क्या गलत काम किया, मैं उस सारे का सारे चीजें इस वीडियो में बताते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, थंबनेल में मैं दे दिया हूँ, ये वीडियो में मैं पूरा बता दिया। उसके बाद मैं मूव ऑन कर गया, उसके बाद शिव गेमिंग का कोई रिप्लाई नहीं था, लेकिन शिव गेमिंग का एक नाजायज औलाद है, उसने मुझे रिप्लाई दिया, और क्या रिप्लाई दिया मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। उसने एक वीडियो बनाई, उस वीडियो में उन्होंने उससे बोला कि कर दिया फेमस भाई चूतिया, एक नंबर का, 100 सब्सक्राइबर भी नहीं, वो बंदा बोल रहा कर दिया फेमस, ऐसे बोल रहा टी सीरीज है यूट्यूब का मालिक ही हम लोग का फेमस कर दिया, बहुत सारे वाले चूतिए, साला कोई दिमाग तो लगा लो, खुद का तो 100 सब्सक्राइबर भी नहीं और हमको फेमस करेगा साला। बोलते ना एक कहावत है ना, नो नो नॉट इवन 4 और ख्वाब 1000। इसका सेम टू सेम हालात, ये जो रोस्ट किया ना हमको, ये रोस्ट देखकर मुझे बहुत 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 ही ज़्यादा हंसी लगा, लेकिन मैं सोचा इसको ऊपर रिप्लाई नहीं करता, मुझे पता है ये फेमस होने के लिए कर रहा है, खुद फेमस नहीं हमको फेमस करेगा, और खुद फेमस होने के लिए कर रहा है मुझे पता है, इसलिए मैं सोचा इसको ऊपर रोस्ट नहीं करूँगा, लेकिन मुझे इंस्टाग्राम में ये सब मैसेज किया, उसके बाद ना मेरी जल गई। मैं फिर भी सोचा इसको मैं रिप्लाई नहीं करूँगा, मैं मूव ऑन करता, मैं दूसरा काम में बिजी हो जाता, मैं दूसरा काम करूँगा, दूसरा प्रोजेक्ट के ऊपर काम करूँगा, लेकिन मैं उसका जब वीडियो देखा, वीडियो में वो मेरा मम्मी के ऊपर चल गया था, और मैं उसको लास्ट टाइम वार्निंग दे रहा हूँ, इसके बाद अगर मेरा मम्मी के ऊपर गया तो एक झापड़ में तेरा पूरा खानदान को जमीन के अंदर घास दूंगा, समझा ना, और इसके ऊपर अगर मम्मी के ऊपर गया ना, तेरा पूरा खानदान चोद दूंगा, समझ ले। साले मजाक बना के रखते हो, भड़वा समझे क्या, गांड में गोली मार दूंगा। अभी तुम लोग सोच रहे हो मैं कुछ चूतिया किस गांडू के बारे में बात कर रहा हूँ, वो है गोपाल गांडू, जो है शिव गेमिंग का नाजायज औलाद, ठीक है, वो है इसका पिक। ये बंदा मुझे मम्मी के बारे में, मेरा मम्मी के बारे में बोला, साथ में पोल के हाथी में 1% का भी दिमाग नहीं, 1 नंबर का चूतिया, 1 नंबर का भोसरे वाला बहन का लौड़ा। मैं अभी उसको मम्मी का गाली नहीं दूंगा, माँ का छोड़ के मैं सारे गाली इसको देने वाला हूँ, क्योंकि बहन चोद काम ही ऐसा किया, क्योंकि देखो मेरा मम्मी तुम सबका मम्मी भी मेरा मम्मी, मैं सारे मम्मी को रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए मम्मी का गाली आज तक मैं नहीं दिया कोई इंसान को, लेकिन कोई मेरा मम्मी पे आ जाए ना मैं उसको छोड़ता नहीं। तो मैं और तुम सब मिलके इस नॉर्थ पोल के हाथी की गांड मारते हैं। ये बंदा इतना बड़ा सुअर है कि क्या ही बोले, इसका पास तो कोई कंटेंट तो है नहीं, दूसरा का कंटेंट ले रहा, दूसरा का नाम, दूसरा जो भैया है एसआर चुतिया जोन जो भी नाम है उसका, उस बंदे का यूट्यूब में 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, 1 मिलियन तो सब्सक्राइबर है लेकिन व्यूज देखो 11,000, और मेरे को मेरा व्यूज के ऊपर बात बोल रहा है, उसके ऊपर उछल रहा है, इसका खुद का कुछ नहीं है, अपना जो भी भाई है ये गेमिंग वो गेमिंग लौड़ा गेमिंग लसन गेमिंग झाटू गेमिंग ये सबके ऊपर ही उड़ रहा है, इसका एक कौड़ी का कुछ कंटेंट नहीं है, बस दूसरा का कंट्रोवर्सी लेकर खुद बोल रहा है। अगर तेरे अंदर इतना ही दम है ना, अपना सीप जो है ना सीप चूतिया गेमिंग उसको आके बोल मेरे को रिप्लाई करने का दम है, तो अगर कॉल मैं तेरे को नंबर देता हूँ, अगर नंबर चाहिए तो बोल मैं इंस्टाग्राम में नंबर देता हूँ, आके बोल उसको बात करना, तुम कहाँ से आ रहा, मैं तुमको जानता ही नहीं, सीधी बात है ना। तो चलो अभी नेक्स्ट भी सुनते हैं। ठीक है। तुम चूतिया हो, तुम्हारे अंदर एक कौड़ी का दिमाग नहीं, तुम्हारा एक पैसे का वैल्यू नहीं है, और जब तुम दिखाते हो ना तुम्हारे ये कर लिया वो कर लिया घंटा कर लिया ये उखा लूंगा वो उखा लूंगा, बहन का लड़ा सुन, मैं इसके कहता हूँ इसके गेमिंग तो जैसे बोला ना कि तुमको साइबर सेल भेज दूंगा वो भेज दूंगा पुलिस केस करूंगा, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही तुमको मार के ना जमीन के अंदर गाड़ दूंगा, तेरे अकेले का तेरा जो चार बंदा था ना एसआर कुछ गांडू जोन था और कुछ एडिटिंग जोन कुछ था ना, सारे को लेके आ जा भाई अकेला पेल दूंगा, समझ गया ना। तो उससे पहले दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय ट्रेडिंग किंग ऐप, इस ऐप के मतलब लोग बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, ट्रेडिंग करके थोड़ा सा गेम खेल के आप लोग बहुत पैसा कमा सकते हो। सबसे पहले आपको ऐप को डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसके बाद यहाँ पे आप लोग जीमेल आईडी देकर लॉग इन कर लेनी है, और जैसे लॉग इन कर लो आपको फ्री ट्रेडिंग मतलब प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारा पैसा मिलेगा, और आप लोग क्या कर सकते हो खुद भी अपना पैसा ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ थोड़ा बहुत पैसा ऐड कर लेता हूँ, उस पैसों को जिस पैसों को आप लोग ऐड करोगे उस पैसों को साथ ही आप लोग खेल के बहुत सारा पैसा और कमा सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 220 रुपये ऐड कर लेता हूँ, जैसे मैं ऐड कर लेता हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत बोनस भी मिल जाएगा जिसको मैं ट्रेडिंग खेल सकता हूँ, ट्रेडिंग करके मुझे मैं कमा सकता हूँ। यहाँ पे आप लोग पेटीएम साथ में यूपीआई एंड साथ में नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड कहीं से भी आप लोग पैसा ऐड कर सकते हो। तो मैं फटाफट ऐड कर लेता हूँ, देखो मेरा ऐड हो गया पैसा ऐड ऑटोमेटिक। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आप लोग लाइन देख रहे हो डायग्राम ऊपर नीचे जा रही है
आपको बोलना है कि नेक्स्ट बार डायग्राम ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी, और अगर आपका सही होता है ना आपको पैसा तुरंत अकाउंट में मिल जाएगा, उस पैसे को आप लोग संग संग रिडीम भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो जैसे मैं नीचे लिया, जैसे ये डायग्राम नीचे आ गया ना मुझे पैसा मिल गया, अगर गलत होता तो वो चल जाएगा लेकिन अगर सही होता तो आपको पैसा मिल जाएगा। इस तरीके से आप लोग इस ऐप में खेल के बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, ट्रेड करो और उस पैसे को आप लोग डीजिया लोग या फिर जो मर्जी वो कर सकते हो, डीजिया लोग ले सकते हो, एलाइट पास ले सकते हो, डायमंड ले सकते हो, टॉपअप कर सकते हो, जो मर्जी वो कर सकते हो। तो आप सब देख सकते हो आपके सामने मैं विड्रॉ भी कर दिया, अभी मैं अपना अकाउंट देख लेता हूं, यहां पे देखो 237 रुपए आ गया कैशबैक, 237 रुपए का मतलब मुझे मिल चुका है। तो इस तरीके से आप लोग बहुत इजीली पैसा कमा सकते हो इस ऐप के मदद से, जो जल्दी जल्दी जाओ ऐप को डाउनलोड करो और पैसा कमाओ। तो ये जो गोपाल गांडू है शिव गेमिंग का भाई है, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को पता, कुछ दिनों पहले मैं शिव गेमिंग के ऊपर रोस्ट किया था, शिव गेमिंग के पास बोलने के लिए कुछ था नहीं, इसलिए नाजायज गांडू को भेज दिया जो आके मेरे को रोस्ट करने लगा, बच्चा पहले पैदा हो जाए सही तो उसके बाद मेरा रोस्ट करियो, ठीक है ना। और ये बोलता है कि मैं, मेरा 100 के सब्सक्राइबर हो गया, मैं फिर भी क्यों अपना सब्सक्राइबर बटन हाइड करके रखा, क्योंकि मेरा व्यूज नहीं आता, मेरा 1K 2K व्यूज आता है, मुझे पता है मेरा 1K 2K व्यू आता है। मैं अगर तेरे जैसे, तेरा जो पापा है शिव पापा जैसे वीडियो बनाता ना पहले इवेंट्स का वीडियो, वो जाके देखो वो मेरे को 10,000 व्यू हर वीडियो में आते थे। मैं वो जो 10,000 व्यू था ना वो मैं छोड़ के मैं इवेंट में आया, क्योंकि मैं लोगों को चूतिया बनाना नहीं चाहता। इवेंट्स को मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, इवेंट की मदद से डाटा माइनिंग करके ये लोग कैसे कॉपी पेस्ट करके तुम लोग को चूतिया बना रहा है, मैं इसको अलग से वीडियो बनाऊंगा। और डाटा माइनिंग फ्री फायर में एकदम इलीगल है, इसलिए मैं छोड़ दिया हूं, ठीक है ना। मेरे को मत सिखाओ व्यूज का बात, ठीक है। तू खुद अपना देख, तू देखो वो मुझे बोल रहा है कि मेरे को मेरा 100 के व्यूज है फिर भी मेरा 100 के सब्सक्राइबर फिर भी मेरा 1K व्यूज आते हैं। भाई इसका देखो, इसका चैनल का देखो, इसमें अपना कमेंट सेक्शन को ऑफ कर दिया, लाइक डिसलाइक बटन भी हाइड कर दिया, क्यों? क्योंकि चूतिया इसको पता है इसको डिसलाइक ही पड़ने वाले, मतलब इन चूतियों को कौन रोस्टिंग करने भेज देता मुझे समझ नहीं आता, इससे बड़ा चूतिया इस दुनिया में कोई नहीं है। धिक्कार है। और तुम सभी क्या करो, इसका लीक्स वाला वीडियो, इसका जो पापा है शिवा गेमिंग, शिवा चूतिया गेमिंग, इसका लीक्स वाला वीडियो देख रहे हो और तुम लोग इसको पैसा कमाने दे रहे हो। मैं बता रहा हूँ ना, ये लोग कहाँ से लीक्स लाते हैं, इंस्टाग्राम से लीक्स लाता है, दूसरा यूट्यूबर से चुराता है, और उसका कोई औकात ही नहीं, दो कौड़ी का औकात नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, सुन लो। और इसके ऊपर इवेंट के ऊपर, इवेंट को एक्सपोज करते हो मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, तब इन लोग की मैं फाड़ के रख दूंगा। बट अभी इसके ऊपर आते, ये जो गोपाल चूतिया है मुझे बोल रहा है कि तेरा माँ कर दूंगा, माँ के साथ ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ठीक है ना। मेरे को जब माँ के बाद बोला ना मेरे को तभी गुस्सा आया, और जो बोला ना मेरे अंदर बहुत गर्मी है, बेटा तू गर्मी देखा ही कहाँ है, ये तो मैं अभी ठंडा में बात कर लूँ, अब जब अगर मैं गर्मी में आ गया ना तेरा फाड़ के रख दूंगा, तेरा पूरा फैमिली का फाड़ के रख दूंगा, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और मैं तेरे साथ स्ट्राइक खेल नहीं खेलूंगा, मैं जो बोलूंगा मुंह पे बोलूंगा, सब्सक्राइबर के साथ प्रूफ के साथ बात करूंगा। और इसका वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, मतलब कमेंट सेक्शन में एकदम ऊपर पिन कर दे रहा हूं, फिर भी अगर ये वीडियो डिलीट कर, इसका जो मेरे ऊपर इंस्टाग्राम मैच डाल रहा हूं तुम लोग जाकर चेकआउट कर लो, इसका वीडियो मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हूं, ताकि मुंह छुपाने का जगह ना मिले, मैं प्रूफ के साथ बात करता हूं, जो करता हूं, समझ गया ना। बहुत सारे के नॉर्थ पोल के हाथी, सुन अपने औकात में बात करो, ठीक है ना। तेरा पापा से ऐसे बात नहीं करते, तुम मुझे पता है मैं तेरा नाजायज पापा, कहाँ का पैदाइश है पता है, ये रेड लाइट एरिया रंडी खाना का पैदाइश है, मैं बता रहा हूँ ना। मेरे को इतना गुस्सा आया था ना, मैं बोलूँगा ना मम्मी के ऊपर कभी मत जाइए, ये तेरा लास्ट वार्निंग, अगर मम्मी के ऊपर इसके बाद गया ना तेरे खानदान को चूत के ऊपर रंडी खाना में घुसेड़ दूंगा, समझा ना। तो दोपहर को जो मैं वीडियो अपलोड किया था उसके बाद मैं जाके देखा, ये जो गोपाल गांडू है, गोपाल पांडे या फिर गोपाल गांडू, सॉरी गोपाल गांडू होगा, हाँ गोपाल गांडू है, ठीक है। उसका जब मैं उसका इंस्टाग्राम चैनल में गया, इंस्टाग्राम पर जिससे मुझे मैसेज किया था, वो जब इंस्टाग्राम प्रोफाइल में गया, मैं देखा इंस्टाग्राम प्रोफाइल लॉक कर चुका, प्राइवेट कर चुका है। ये देख के मुझे बस मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आया, ये डर मुझे अच्छा लगा, ऐसा डर बना रहना चाहिए। अगर दम है ना, स्ट्राइक दिए बिना अगर कुछ कर सकते हो मेरा मुंह में बोलो, मैं तुमको मुंह टू फेस टू फेस जवाब दूंगा, मैन टू मैन। अगर स्ट्राइक दोगे ना नामर्द बन जाओगे और कुछ नहीं, अगर दम है तो मस्त कतरा कम करो, ठीक है। तो यही तक पूरी वीडियो थी, बाद में इसका कभी खोल के बजाए जाएंगे, लेकिन अभी के लिए मैं बोलूंगा तुम लोग को, रिक्वेस्ट करूंगा जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करो, ताकि इन लोगों का जो कला मुखोटा है सबके सामने आ जाए। तो शेयर करो, तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शेयर करता अपने दोस्तों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।